गंगा को लेकर काफ़ी दिनों से संत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गंगा की के बहाव को रोककर एक तरह से गंगा के पूरे पर जो इकोलॉजी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और इसको लेकर लगातार संत अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन एम्स से दिसंबर 4 से स्वामी जी गायब हैं, और जिसका जवाब ना शासन के पास है, ना प्रशासन के पास है, ना ही एम्स के पास है। जब किसी को भी पुलिस अगर पकड़ कर और अपने कब्जे में लेकर एम्स किसी भी अस्पताल ले जाती है तो उसको वापस प्रशासन के हाथों में सपुर्द किया जाता है। लेकिन आज तक आज 22 तारीख हो चुकी है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही उनके परिवार को कोई जवाब दिया जा रहा है, जबकि लगातार संत इस बात को उठा रहे हैं कि स्वामी कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं। अगर प्रशासन उनको लेकर गया था और पुलिस उनको लेकर गई थी और एम्स के अंदर जब उनको किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी तो वो एम्स से अचानक गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता, तो किसकी जिम्मेदारी है? मोदी सरकार को इस बारे में जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आप वोट के लिए गंगा का नाम लेते हैं तो आप, और वहीं एक कुछ संत जब गंगा को बचाने के लिए बैठे हैं तो उनके उनको उनका अचानक से आपकी कस्टडी से गायब हो जाना और जिसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब देना पड़ेगा।